माय नेम इज अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का लेक्चर 3। इस लेक्चर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मेनली इस लेक्चर में हम ग्राफिकल क्वेश्चंस, ग्राफिकल अप्रोच से करेंगे क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के कुछ अच्छे गेट में आए हुए क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, गेट 2018 का भी मैंने क्वेश्चन लिया है जो इस कंसेप्ट पे आया है, और लगभग मैंने देखे 80 से 90% क्वेश्चन सिर्फ इसी मेथड से ही सॉल्व हो जाते हैं। कुछ 20% क्वेश्चन है जो हमें अलग ट्रिक्स लगानी पड़ती है, जैसे डुअलिटी की, ठीक है, और जब कंस्ट्रेंट्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, स्लैक वेरिएबल्स वाले कुछ पर्टिकुलर ऐसा आ जाए, ओके, तो उसको भी हम आराम से पढ़ेंगे। डीजेनरेसी जिसे कहते हैं, उनको भी हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन जैसे ये पहला लेक्चर है इसका लीनियर प्रोग्रामिंग का, तो हम इसमें थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, हम इसको विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व होंगे तो जल्दी से देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये एक्स वन क्या होता है, जो एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स वन होता है और ये एक्स टू, क्लियर। इसका मोटिव आपको या तो मैक्सिमाइज करने का रहेगा या मिनिमाइज, दो ही ऑब्जेक्टिव आपको रहेंगे हमेशा। कोई ना कोई टारगेट जब आपको दिया जाता है तो आपको कहा इसको मैक्सिमम करो या इसको मिनिमाइज करो, ऐसे ही टारगेट दिया जाता है कभी भी। उसके बाद ये कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट से घिरा होता है। अब इन्हीं कंस्ट्रेंट से हमें क्या एक ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी होती है कि जो ये वैल्यू आएगी जेड की मैक्सिमम बन जाए। तो हम इसको ग्राफिकल मेथड से करेंगे, वही जो इसने पूछा है क्वेश्चन में, गेट का ही क्वेश्चन है, शायद गेट 2016 का क्वेश्चन है ये। तो उसने क्या कहा, द अबव एलपीपी हैज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज इनफिजिबल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन, डीजेनरेट सॉल्यूशन। ये जब मैं डायग्राम बनाऊंगा इनका मतलब भी आपको बता दूंगा आराम से। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले बनाइए आप, इस क्वेश्चन को थोड़ा स्लो कराऊंगा सो दैट कि जो पहली बार ये इस टॉपिक को कर रहे हैं आराम से समझ जाएं, और जिन्होंने पहले किया है वो भी अपना रिवीजन करें। पहली इक्वेशन क्या है, 12x1 + 4x2 > 36। दूसरी इक्वेशन क्या है, 12x1 - 6x2 < 24। और दो इक्वेशन ये भी दी हैं, < 0, ठीक है, > 0 दिया है, ठीक है। अब देखिए हमें सबसे पहले ये जो लाइंस है, एक तरह से लाइन की इक्वेशन ही है ये, इनको बनाना आना चाहिए। देखो पहली इक्वेशन को देखो बनाने का तरीका, एक्स टू को एक बार 0 रख दीजिए, एक्स वन की वैल्यू निकालिए, एक्स टू को 0 रखिए, एक्स वन की वैल्यू 3 आएगी। इसी तरह से एक्स वन को 0 रख दीजिए, एक्स टू की वैल्यू निकालिए, वो कितनी आएगी, 9 आएगी, तो 0, 9। और ये क्या है, एक्स टू है जैसे मैंने बताई दिया, ये क्या है, एक्स वन है, ये लाइन खींच दी आपने, क्लियर। उसके बाद देखिए दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, इसमें एक्स वन को 0 रखिए, एक्स टू की वैल्यू -4 आएगी, तो वो कहीं जाके यहां आएगी, 0, -4। और एक्स टू को 0 रखिए, एक्स वन की वैल्यू आएगी 2। अब x1 > 0, x1 > 0 कहां पर आएगा, इधर की साइड। तो अब ये सिंबल बनाना आप सीखिए, ठीक है। तीन सिंबल मैं ऐसे बनाने का तरीका बताऊंगा आपको कि हम तीन सिंबल से शो करेंगे कि ये ऊपर की साइड आएगा, नीचे की। x1 < 0 होता था नीचे की साइड आता, सॉरी इधर की साइड आता, ठीक है। तो अच्छा ये तो रहा x1 की बात, अगर x2 की बात करें, वो भी > 0, तो वो भी ठीक है। बल्कि मेरे को ये कहना चाहिए कि x1 > 0 इधर की साइड आएगा और x2 > 0 इधर की साइड आएगा, ठीक है, ये सही बात रहेगी, उल्टा हो गया था, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बस इससे भी हम इतना भी आइडिया लगा सकते हैं। अब देखिए ये जो लाइंस हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे करना है कि जब पहली लाइन है हमारी, ये वाली पहली लाइन है, पहली लाइन है ये ग्रेटर देन है। ग्रेटर का मतलब है इधर की साइड, पॉजिटिव की तरफ चलना है हमने, ठीक है। तो ये देखो इस लाइन के आगे मैंने ये तीन सिंबल लगा दिए, क्लियर, इधर की साइड बना दी हमने ये लाइन, मतलब ग्रेटर देन 36 मतलब इधर की साइड बनेगा ये, क्लियर। और इस वाले में क्या है, ये जो दूसरी लाइन है
ये लेस देन इक्वल टू 24 है। लेस देन का क्या मतलब है? लेफ्ट की साइड है, यानी कि, तो यानी कि लेफ्ट की साइड है, यानी कि ये जो लाइन है किधर की साइड जा रही है? लेफ्ट की साइड जा रही है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमें इसमें क्या करना होता है, इसमें बीच का एक ऐसा एरिया निकालना होता है जिसमें ये पूरे पूरे सारा फंक्शन हमारा आ जाए। अब देखो वो क्या आ रहा है, कोई दिख रहा है एरिया बाउंड होते हुए आपको? कोई देखो, अगर ये वाली जो लाइन इधर की साइड होती तब तो मैं ये वाला एरिया कह देता, ये वाला एरिया बन गया। लेकिन अब खुद आपको लॉजिक लगाना है कि एरिया कौन सा बन रहा है। सोचो, ये एरिया इधर की साइड जा रहा है, ये एरिया इधर की साइड जा रहा है, और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करनी है। तो यानी कि हमारा जो एरिया बना कौन सा बना, ये मैं वाटर की तरह दिखा देता हूँ इसको, ये वाला एरिया बन रहा है हमारा। तो ये तो जहां तक ये लाइन जाएगी ये एरिया बना जाएगा, यही बात है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इसमें तो कोई भी एरिया बाउंडेड नहीं हमें मिल रहा। बाउंडेड का मतलब क्या है? घिरा हुआ। अगर ये पर्टिकुलर मान लेते ये एरिया होता तो ये बाउंडेड एरिया बन जाता, तो हम कुछ ना कुछ इसकी वैल्यूज निकाल लेते, ठीक है, जेड की वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमें तो कोई भी एरिया नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो ये एलपीपी का क्या है, इस दिस एलपीपी हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। 2 मार्क्स हमारे हाथ में, क्लियर। तो इसको और देखते हैं, अभी और कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, इतनी जल्दी तो इसमें समझ नहीं आता, और देखते हैं मैं प्रैक्टिस करके इसमें ना। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया अनबाउंडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मेरे को पर्सनली लगा काफी अच्छा, उनको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसने क्या कहा है, प्रॉफिट पर यूनिट ऑन पार्ट 1 एंड 2। प्रॉफिट, देखो मैं आपको अप्रोच बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। प्रॉफिट क्या है? पर यूनिट, ठीक है। क्या कहा है? प्रॉफिट पर यूनिट, पर यूनिट ऑन पार्ट 1 ₹40, थोड़ा समझना इसको। और प्रॉफिट पर यूनिट ऑन पार्ट 2 ₹100 है। अब ये प्रॉफिट हो रहा है इसको। और हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, मशीनिंग टाइम दिया है। क्या है? मशीनिंग टाइम रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फॉर द मशीन पार्ट फर्स्ट, पहला जो पार्ट है उसको 12 मिनट लगते हैं सिर्फ टर्निंग के लिए, ओके। और जो दूसरा पार्ट है उसको 6 मिनट लगते हैं सिर्फ। और उसने कहा कि पर वीक टोटल मशीनिंग टाइम इतना ही हो सकता है, 6000 मिनट, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो अब देखो सबसे पहली बात, एक्स हम नंबर ऑफ पार्ट्स 1 मान लेते हैं और वाई क्या मान लेते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स 2, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट करना है एक्स में, पार्ट 1 हमें मान लिया एक्स, तो उसका जेड को मान लेते हैं प्रॉफिट +100y। ये तो समझ आ गया होगा, सबसे बेसिक चीज ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है। मतलब एक्स नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बने, ठीक है, और y कितने नंबर ऑफ पार्ट्स बने, ठीक है, पार्ट 2, ओके, और पार्ट 1 ये है। अब देखो कंस्ट्रेंट्स क्या बनेंगे, सबसे मजेदार जो कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग है काफी। अब देखो इसने क्या कहा, टर्निंग में 12 मिनट फर्स्ट वाला लगा रहा है, सेकंड 6 मिनट लगा रहा है, और इतने 6000 मिनट मैक्सिमम अवेलेबल है। तो पहला पार्ट 12x टोटल मिनट हो जाएंगे और 6y हो जाएंगे दूसरे पार्ट के लिए, और ये कितना होना चाहिए मैक्सिमम, इसने कहा मैक्सिमम मशीनिंग टाइम, मतलब 6000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब यही तो होगा। इसी तरीके से मिलिंग के, ये तो टर्निंग के लिए हो गया, बस एक ही चीज समझ आनी चाहिए थी, बाकी तो सब इक्वेशन आपसे बन जाएंगी। इसी तरह से ये बन जाएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1800, क्लियर। ये बनाना आ गया, समझ आ गया होगा, मतलब खुद, मतलब कॉमन सेंस से सोचना पड़ती है ये सब चीज, कि एक्स की वैल्यू अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 की वैल्यू से मिलेगी, एक तरह से मिनट ही तो आएंगे, क्लियर। अब देखिए
हमें क्या करना है, अब ये डायग्राम बनाना है जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, ठीक है। उसको नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं और सबसे पहले बनाते हैं ये डायग्राम। ओके, अभी सबसे पहले हमने जेड वाली इक्वेशन क्या बनाई है, 40x+100y। इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी हमें कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन बनाई है वो बताइए। वो क्या बनाई है, पहली इक्वेशन क्या है हमारी, पहली इक्वेशन क्या बनाई है हमने, तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं। 12x+6y <= 6000, 4x+10y <= 4000, और तीसरी इक्वेशन क्या थी, 2x+3y <= 1800। यही है, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पे बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया पहले क्वेश्चन में, अब स्पीडली मैं थोड़ा सा कर देता हूं इसको। पहला जो बनेगा हमारा, पहली लाइन, एक्स को जीरो रखिए, वाई को जीरो रखिए, एक्स की वैल्यू निकालिए, वो कितनी आ जाएगी, यहां से 500 आ जाएगी, ठीक है। तो ये 500 आ गई, और इसी तरह से वाई, एक्स को जीरो रखिए, ये कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी वाई की वैल्यू। ये वाई है, ये एक्स है, तो ये लाइन आप बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहला बना दिया हमने। उसके बाद देखिए दूसरी लाइन को देखते हैं, एक्स को जीरो रखिए, वाई को जीरो रखिए, एक्स की वैल्यू 1000 आएगी, मान लेते हैं 1000, और ये पॉइंट बनाने जरूरी हैं क्योंकि ये 500,0 है और ये 0,1000 है। ये वैल्यू 1000 यहाँ आएगी एक्स की वैल्यू, और इसी तरह से आप एक्स को जीरो रखें, वाई की वैल्यू 400 आएगी, तो वाई की वैल्यू 400 इधर आएगी और एक्स की वैल्यू 1000 इधर आएगी, तो हम ये लाइन ऐसे बना देंगे, ठीक है। सब वैल्यू लेस देन इक्वल टू है, तो ये भी इधर को बनाओ, इसके तीन एरो इधर की साइड बनाओ और इसके भी तीन एरो इधर की साइड बना दो, ठीक है। अब देखिए तीसरी इक्वेशन, एक्स को जीरो रखिए, एक्स को जीरो रखिए, वाई की वैल्यू 600 आएगी, तो वाई 600 यहाँ कहीं आएगा क्योंकि ये कितना आ गया, 0,400, 600 मान लेते हैं इधर आ गया, और इसी तरह से एक्स की वैल्यू 900 कहाँ आएगी क्योंकि ये 1000 है, तो 900 इधर आएगा। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन बन गई हमारी। ठीक है, ये लाइन बन गई, और ये वाली वैल्यू भी क्या है, लेस देन है, तीन एरो हमने इधर की साइड बना दिए। अब देखिए इसमें कोई, और ये भी हमें पता है, एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, वाई भी ग्रेटर देन, पार्ट्स कभी नेगेटिव में थोड़ा हो जाएंगे, तो ये भी पता है कि ये ऊपर की साइड आ गया, वाई ग्रेटर देन जीरो और एक्स ग्रेटर देन जीरो इधर की साइड आ गया। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें अब सॉल्यूशन क्या बन रहा, बाउंडेशन कहाँ आ रही है, अब आप इसको खुद सोचना, मैं बता दे रहा हूँ आपको, पहले भी बता चुका हूँ। अब ये जो बना है, खाली ये वाला जो हमारा एरिया आएगा वो बस, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्यों, आप देख लीजिए कैसे, अगर मैं ये वाला एरिया भी नहीं ले सकता क्योंकि इस वाली लाइन के लिए ये अंदर की साइड है, तो ये वाला एरिया भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये जो मेन एरिया बना हमारा, इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए, इसको इसको पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी। अब ये जो पॉइंट बी आता है ना, ये वाला, ये इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप, ये भी चीज आपको बता रहा हूं, ये लाइन और ये वाली पहले वाली लाइन, यानी कि इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को सॉल्व करना है, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्लियर। यही पॉइंट को निकालने के लिए इन दोनों लाइन को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाली लाइन और ये ऑरेंज वाली लाइन, तो ये पॉइंट बी आ जाएगा। इसके सॉल्व करके आप कितना आएगा, यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 375 आएगी एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 आ जाएगी, ठीक है। आप, अब हमारे पास बाउंड सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है, तो हम चारों पॉइंट्स पे निकाल के देखेंगे, 0 0, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, 500,0। आप देखना, जब आप वैल्यू जेड की वैल्यू में एक्स की जगह 375 रखेंगे और 1000 वाई की जगह 250 रखेंगे, तो ये जेड की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, क्लियर।
तो यानी कि बी पॉइंट पे हम निकाल के देखेंगे जेड एट बी वो कितना आ जाएगा, रुपीस लगभग 40,000 आंसर आएगा इसका। ये आप करके देखना, खुद कैलकुलेशन करना आप इसकी अब। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ता है ये बनाने के। सारी लाइंस बन जाती है, उसके बाद हमें एरिया कौन सा लेना है वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब मैंने ये एरिया लिया, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये वाली लाइन इधर की साइड आ रही है, इस ब्लैक वाली लाइन का इधर की साइड है, ऑरेंज वाली का भी इधर की साइड है, ये कोऑर्डिनेट्स भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। हमने ये क्यों नहीं लिया, आप कह रहे होंगे यार इसने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस वाली लाइन के लिए इधर की साइड थोड़ा है ऑरेंज वाली की, वो तो अंदर की साइड है, तो हमें सबका देखना है इसमें, ठीक है, सबको लेके चलना है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। गेट 2018 में भी ये क्वेश्चन आया है, गेट 2018 में भी सेम क्वेश्चन आया है इसी टाइप का। इसको मैं बस आपको बता दे रहा हूँ आइडिया, आप खुद सॉल्व करना इसको क्या निकलेगा। हमें मिनिमम वैल्यू इसकी पूछी है, तीन इक्वेशन दे दी इसने हमें, कोई दिक्कत नहीं, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 दिया है, सबसे बढ़िया तरीका। इसमें आप लाइन बनाइए, सबसे बढ़िया तरीका आपके लिए वीडियो को पॉज करें, इसको खुद सॉल्व करके देखें, ठीक है, मैं आपको तरीका बता ही दे रहा हूँ इसमें। तो पहली लाइन को हम इसको बनाएंगे, y को 0 रखेंगे, x की वैल्यू 5 आएगी, इसी तरह से 0,3 आएगा, 5,0 आएगा। अब मैं पहली लाइन बना देता हूँ, थोड़ा सा स्पीडली करूंगा। अब इसी तरह से y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2, और y की, और आप x को 0 रखिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/9, मतलब 0.88, तो वो मान लेते हैं इधर आ गई, तो इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से बना दी। ये भी लेस देन इक्वल टू है, ये भी लेस देन इक्वल टू है, तो इसको भी हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, क्लियर। अब इसी तरीके से आप 13x+2y को बनाइए, y को 0 रखिए, x की वैल्यू 2/13 आएगी, 2/13 तो कहीं यहीं आएगी, थोड़ा सा आपको इसको जूम करके बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा छोटा हो जा रहा, ठीक है। इसी तरह से x को 0 रखिए, y की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू कहीं 1 यहाँ आएगी, तो इस तरह से आपने इस तरह से ये डायग्राम बना देना है, ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करना, ये तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, वो खुद सॉल्व करना है ये, ठीक है। और आंसर कमेंट में बताना मेरे को क्या आई है। जेड की वैल्यू मिनिमम निकालनी है, ये तरीका बता दिया मैंने लाइन निकालने का, और तीनों लाइन को आपको क्या करना है, इधर की साइड बनानी है, तो कुछ ना कुछ एरिया इधर की साइड बनेगा, ठीक है, वो आप थोड़ा सा जब फिगर को जूम करेंगे अपने आप बन जाएगा, ठीक है। देखो गेट 2018 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया, गेट 2016 का भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे जो थोड़ा सा इन सबसे अलग है, इसको लास्ट में अब हम ट्राई कर लेते हैं, फिर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इसने क्या कहा, वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी वन रिक्वायर्स 3 kg ऑफ रिसोर्स आर वन। कोई प्रोडक्ट है वो 3 किलो तो उसको चाहिए आर वन का, और 1 किलो चाहिए आर टू से, तब एक प्रोडक्ट पी वन बन जाएगा। तो उस वाले क्वेश्चन से जो अभी हमने प्रॉब्लम क्वेश्चन किया था ना लैंग्वेज वाला, उससे थोड़ा सा आसान है ये। और वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी टू, और एक यूनिट प्रोडक्ट पी टू को क्या चाहिए, 2 kg आर वन के चाहिए और 2 kg आर टू के चाहिए, इक्वेशन बनती हुई दिख रही है मेरे को। प्रॉफिट P1 के लिए 2,000 है और P2 के लिए 3,000 है, प्रोडक्ट P1, ठीक है, 3,000 है। मैन्युफैक्चर के पास क्या है, 90 किलो रिसोर्स है R1 का और 1,000 किलो है रिसोर्स R2 का। ओके, क्लियर। तो मान लेते हैं अब हम जो इक्वेशन बनाएंगे P1 और P2 में बनाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले प्रोडक्ट P1 हम मान लेते हैं कितने बने हैं, ठीक है, और हमें क्या निकालना, मैन्युफैक्चर कैन मेक अ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, मैन्युफैक्चर ने कितना कर देना है, कितना उसको हो जाएगा। सेकंड पार्ट, यूनिट वर्थ ऑफ रिसोर्स R2, डुअल प्राइस ऐसे पूछा है, डुअल प्राइस ऑफ रिसोर्स R2 इन रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी, इसने डुअल प्राइस, डुअल प्राइजिंग हम क्यों करते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। डुअल प्राइजिंग जैसे मार्केट में कहीं कंपटीशन होता है, तो हम जैसे नई जगह हमने कहीं शॉप खोली तो हम उसका रेट कहीं मार्केट रेट से कम कर देते हैं, उससे मैन्युफैक्चर को फायदा होता है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है ड्यूअलिटी, उसको भी हम आगे डील करेंगे। अब
हम बनाते हैं इसकी इक्वेशन, वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी वन रिक्वायर्स 3 kg ऑफ रिसोर्स आर टू, ठीक है। मान लेते हैं अब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, हमें प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट करना है उसको, और हमने क्या माना, जब हमने पी वन प्रोडक्ट सेल करा तो ये 2000 रुपए का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, और पी टू को सेल करा तो 3000 रुपए का मुनाफा हुआ या प्रॉफिट हुआ। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी। सबसे पहली बात, मान लेते हैं प्रोडक्ट फर्स्ट को, प्रोडक्ट फर्स्ट को हमने पी वन जैसे माना और प्रोडक्ट टू कितने हैं, पी टू, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, क्लियर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हमें पता है कि एक पी वन को 2000 रुपए मिल रहे हैं, तो टोटल प्रॉफिट देखो इतना ही होगा क्या, कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि एक के लिए 2000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो पी वन प्रोडक्ट हमने मान लिए, तो अप्रोच ऐसे ही रखनी, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, खुद सोचना पड़ेगा ये, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैंने तो आपको तरीका बताना है यहां पर। अब ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना, अब इसके कंस्ट्रेंट क्या क्या है, इसने क्या कहा क्वेश्चन में क्या कहा था, इसके पास 3 किलो आर वन के और 1 किलो आर टू का है एक पी वन बनाने के लिए, ठीक है, एक पी वन बनाने के लिए कितना, 3 किलो आर वन रिसोर्स है और 1 किलो आर टू है, और उसने क्या कहा था 90 किलो आर वन है उसके पास, रिसोर्स कितने हैं, मैन्युफैक्चर हैज 90 kg ऑफ रिसोर्स आर वन। अब सोचो इक्वेशन कैसे बनेगी, आर वन 90 किलो है इसके पास टोटल रिसोर्स आर वन, अब कैसे कैसे यूज हुआ होगा आर वन, 3 किलो तो पी वन वाले में लग रहा है और 2 किलो किस में लग रहा है, 2 किलो पी टू में लग रहा है, देखो P1 में कितना लग रहा है, 3 किलो, R1 की बात कर रहे हैं, R1 90 किलो है, हम R1 की बात कर ले तो R2 आपको खुद समझ आ जाएगा, R1 जो है 3 किलो P1 में लग रहा है और 2 किलो P2 में लग रहा है, ऐसे ही तो है, ऐसे ही है, तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, R1 कैसे बनेगा, 3P1 प्लस 2P2 लेस देन इक्वल टू 90, क्योंकि मैक्सिमम उसके पास 90 किलो है, ये पूरा R1 ही तो बनेगा, देख लो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स P1, प्रोडक्ट 1 कितने हैं, P1 है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, पहले वाले की बात करें, और 3 किलो लग रहा है रिसोर्स R1, ठीक है, तो इसीलिए ये टोटल हो गया खाली प्रोडक्ट पहले के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से रिसोर्स R1 की बात करें, जब दूसरे प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 है और एक प्रोडक्ट में 2 किलो लग रहा है, तो ये सिर्फ R1 की बात हुई, इसी तरह से सेम R2 के लिए हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, P1 प्लस 2P2 लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है, क्योंकि 1 किलो प्रोडक्ट, 1 किलो रिसोर्स R2 लग रहा है प्रोडक्ट P1 के लिए 1 किलो, और 2 किलो लग रहा है रिसोर्स R2 के लिए, प्रोडक्ट 2 के लिए जो रिसोर्स R2 लग रहा है 2 किलो लग रहा है प्रोडक्ट P2, तो ये मैक्सिमम रिसोर्स उसके पास 100 है। 3 इक्वेशन बनी हमारे पास, क्लियर। उसके बाद हम क्या करते हैं, बनाते हैं डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं, पहले को इसको रब बनाते हैं, इस वाले डायग्राम को P2 को, और ये P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें, देखिए इसको देख लेते हैं, ये आ जाएगा 30.0 और ये कितना आ जाएगा 0.45, और लेस देन है, इधर की साइड में नहीं सिंबल बना दिया, ठीक है। अब ये जो दूसरा है एक्स, पी टू की वैल्यू कितनी है, 0 रखिए, पी वन की वैल्यू 100 आ जाएगी, मान लेते हैं यहां कहीं आई है, और ये इसी तरीके से इसको 0 रखो, ये आ गया 50, ये तो कुछ फायदा ही नहीं कर रहा है, मतलब
इसका मतलब क्या होता है, ये एक रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है, इससे कोई भी रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है। रिडंडेंट कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है, ये कोई भी इस पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, इससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, मतलब इसका कोई यूज है ही नहीं। मतलब जो रिसोर्स आर टू है हमारा, जो रिसोर्स आर टू के लिए हमने इक्वेशन बनाई है, इसका कोई भी मतलब यूज ही नहीं हो रहा, इसका कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं हो रहा इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। चलो पहले तो हमें इसने पूछा कि मैन्युफैक्चर का मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो, तो अब जो एरिया बाउंडेड हो रहा हमें पता है, पी वन ग्रेटर देन जीरो है, पी टू ग्रेटर देन जीरो है, तो पहले क्वाड्रेंट में है, तो हमारा जो बना ये तो चलो पक्की बात हमारी ये होगी कि ये जो एरिया से बनेगा, ठीक है, ये हमारा बाउंडेड एरिया बनेगा, ये पॉइंट को जीरो ए और इसको बी मान लेते हैं। तो जब आप जेड एट ए निकालोगे, मतलब ए की एक्स की वैल्यू या पी वन की वैल्यू आप 30 रखोगे और पी टू की वैल्यू 45 रखोगे यहाँ पर, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60,000 आ जाएगी, आप सॉल्व करके देखना। और इसी तरीके से दूसरे पॉइंट पे, सॉरी, आप ए की जगह कितना रखो, पी वन की जगह कितना रखोगे, 30, और पी टू की जगह 0। और इसी तरीके से जब आप बी पॉइंट पे निकालोगे, आप पी वन की जगह 0 रखोगे और पी टू की जगह 45 रखोगे इसमें, तो वो कितना आ जाएगा, वो मेरे को खुद ही यहीं से दिख रहा है, 1,45,000। तो यानी कि प्रॉफिट ज्यादा किस पे हो रहा है, बी पॉइंट पे हो रहा है, तो प्रॉफिट ये आंसर आ गया हमारा, क्लियर है, आसान ही है। और क्या चीज है इसमें इंपॉर्टेंट, सेकेंड पार्ट, यूनिट वर्थ ऑफ रिसोर्स आर टू, डुअल प्राइस ऑफ रिसोर्स आर टू। डुअल प्राइस तो इसने पूछ लिया हमसे, डुअल प्राइस, डुअल प्राइस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, जब आपको स्पेशल प्राइस उसमें करना पड़ता है, जब भी कंपटीशन हो मार्केट में, आप कुछ अलग प्राइस रखते हैं, कम प्राइस रखते हैं, सो दैट कि उसका कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर को फायदा हो। और इसने रिसोर्स आर टू का पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने लिया क्योंकि ड्यूअलिटी के क्वेश्चन अलग से सॉल्व करेंगे हम, लेकिन इससे आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि जब रिसोर्स आर टू का एक रिडंडेंट कंस्ट्रेंट बन गया, एक आर टू का एक रिडंडेंट कंस्ट्रेंट, कुछ इसका मतलब यूज ही नहीं है प्रॉफिट में, तो इसका वर्थ है कुछ, यूनिट वर्थ ऑफ रिसोर्स आर टू नहीं है, तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा 0 आएगा, क्लियर। ये भी समझ में आ गया कि 0 क्यों, यूनिट वर्थ क्यों हुआ इसका 0, क्योंकि ये क्या है, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है, तो कह सकते हैं कि जो रिसोर्स आर टू है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है हमारे फिजिबल सॉल्यूशन पे, ठीक है, इसलिए इसका जो यूनिट वर्थ है वो क्या है, 0 है, क्लियर। सिर्फ इसने ड्यूअलिटी के लिए पूछा, ठीक है, ड्यूअल प्राइस पूछा है इसने रिसोर्स आर टू का, अभी हम इसके क्वेश्चंस आगे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जैसे मैंने आपको करके बताया ऐसे ही आपको देखना है इसमें, ठीक है। और जैसे गेट 2018 क्वेश्चन भी ट्राई करके कमेंट में आप मेरे को बताना, ठीक है, कैसे ये सॉल्व होगा, और एक तरह से प्रैक्टिस हो रही है आपकी, ये जो मैंने, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस ये वाले लिए ज़्यादा लिए हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड, कि आपको बनानी कैसे है ये इक्वेशंस, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें और कुछ आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो लेक्चर 4 होगा हमारा, एक मैं इसमें स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा जिसमें गेट 2018 में क्यूइंग का क्वेश्चन है, एक दो और क्वेश्चन है क्यूइंग के प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वो एक दो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा साथ में। तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।